अस्सलाम वालेकुम, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर और मैं आपको अपने होम्योपैथिक चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब जी। आज की मेरी वीडियो है फूड्स टू प्रिवेंट जो है पीसीओएस और फूड्स टू श्रिंक पीसीओएस, और आप इस खाने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी डेली रूटीन में डाइट अगर आप ये अपनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं अगर आप इसको डेली रूटीन में अपनी डाइट में शामिल करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है कैनवा जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेशन है, आपको जो है हेल्दी रखता है, हाई फाइबर यानी अगर आपका वज़न भी ज़्यादा है तो इसको भी क्योर करेगा। और बच्चियों को पीसीओएस का मसला जो है वो टीनेज से ही आजकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आगे जाके आपको तमाम वीडियो की डिटेल भी बताएंगे कि क्यों क्यों ये आपको पीसीओएस होता है और इसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ होती हैं। तो सबसे पहले कैनवा को आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। कैनवा जो है आपको अच्छे स्टोर और अच्छे किसी वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरी नंबर टू पे है वॉलनट्स। वॉलनट्स जो है इसमें ओमेगा 3 एसिड होते हैं जिसमें विटामिन ई जो है वो भरपूर होता है, जो कि आपको पीसीओडी में क्योर करता है। पीसीओएस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि ये आपके ब्रेन को कॉन्शियस रखता है, ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है, हेल्प करता है। डेली रूटीन में वॉलनट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा फ्लैक्सीड ऑयल या फ्लैक्सीड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके वज़न को भी कम करता है, हाई फाइबर है और इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको डेली रूटीन में आपकी बॉडी को चाहिए होती हैं। आप इसका जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने दलिया वगैरह में आप फ्लैक्सीड डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोज़ाना रात को विटामिन ये जो होता है फ्लैक्सीड ऑयल, इसको दूध में डालकर भी पी सकते हैं। विटामिन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और ये आपको बॉडी में जो है पूरी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसमें आपको पीसीओएस से क्योर होंगे। और इसके अलावा आप सिनेमन और हनी टी पी सकते हैं और सिनेमन टर्मेरिक टी पी सकते हैं, जो कि आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को, आपकी सूजन को, आपकी सोजिश को जो है वो कम करेगा और आपकी बॉडी को एक्टिव रखेगा। और आप बहुत ज़्यादा जो थकान और बॉडी में सोजिश और मोटापे का शिकार हो रहे होते हैं तो टर्मेरिक जो है वो आपको पता है हर तरह की सोजिश को ख़त्म करता है, और सिनेमन जो है वो वैसे ही मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके आपके खाने को आप हजम करके आपको एक्टिव और बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम को बहाल करती है। तो ये आप जो है ज़रूर पिए। इसके अलावा आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है दे आप अपने जो है अपनी डेली रूटीन में एप्पल का ज़रूर इस्तेमाल करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ग्रीन टी बहुत ही बेहतरीन है। ये नहीं कि आप मंक्स के मंक्स पिए जा रहे हैं, तो ग्रीन टी भी अगर आप दोपहर में खाने के बाद एक कप लेते हैं तो आप यकीन करें आप बहुत ज़्यादा आपको इसकी एडिक्शन हो जाएगी कि आप ग्रीन टी के बगैर जो है ज़िंदा नहीं रह सकते। आप अगर दोपहर के खाने के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपका वज़न, आपकी हर चीज़ मैनेज हो जाएगी और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। जो बच्चियां जंक फूड खा के अपना वज़न बहुत बढ़ा लेती हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो इक्वल हो जाता है कि वो उनको खाना पीना हज़म हो जाता है। इसके अलावा होल ग्रेन आटे की आप रोटी लेंगे, होल व्हीट यानी मल्टी ग्रेन आटे की आप रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, टॉफ़ीज़ और कैंडीज़ खाने की बजाय आप ड्राई फ्रूट्स जो हैं एक मुट्ठी रोज़ाना मिक्स नट्स उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा स्प्राउट्स ले सकते हैं, कीवी बहुत अच्छी है, जहाँ जिन इलाकों में अवेलेबल है बड़े स्टोर्स पे वो ले सकते हैं। कीवी जो है वो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। ऑरेंजेस और इस तरह सारे मौसमी फल और सब्जियाँ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और कच्ची सलाद जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक्स, तमाम किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, आइसक्रीम्स, अगर वज़न ज़्यादा है ऑयली फूड और रेड मीट। ये मैं हमेशा फाइब्रॉइड्स और पीसीओडी वाले पेशेंट्स को कहती हूँ और जिनका वज़न ज़्यादा होता है वो रेड मीट का जो है इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि ना होने के बराबर करें। इसके अलावा जो है
हाई प्रोटीन डाइट जो आप लेते हैं वो उसको ना लें, और जैसे सॉसेजेस और हाई प्रोटीन डाइट, और इसके अलावा हाई कार्ब डाइट और हाई मीठा डाइट जिसमें मीठे बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको अब और मोटा करती हैं और मेंटल स्ट्रेस बढ़ाती हैं और आपके वज़न को बढ़ाएंगी, और फिर आपको ये पीसीओडी और पीसीओएस के मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है आप इस इन चीज़ों को अगर आप परहेज करते हैं, तीन ये जो चीज़ें ऑयली फूड, जंक फूड और कोलाज और मीठे का इस्तेमाल आप कम से कम करते हैं, बल्कि जब आप इलाज कर रहे होते हैं या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो आप 100% क्योर हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं कि किसी भी किस्म के आपके फेशियल हेयर हो रहे हैं, आपकी दाढ़ी मूछे निकलना शुरू हो गई हैं, बॉडी पे बाल आना शुरू हो गए हैं, एक्नी हो गई है, हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप अनइजी फील महसूस कर रहे हैं और थकावट हो रही है, थोड़ा सा काम करके भी आपको थकावट हो जाती है, तो आपको पीसीओडी या वेट गेन का इशू स्टार्ट हो गया है, तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, मिस्ड पीरियड्स हैं, बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं, दो दो माह बाद आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं या ना होने के बराबर आते हैं, तो इस तरह के ये इश्यूज़ पीसीओएस में होते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको जो है आपके वेट को भी रिड्यूस करेंगी, आपको पीसीएस का मसला भी ठीक होगा। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो यकीन जानिए आपकी लाइफ वैसे ही बैलेंस रहेगी और आप इन बीमारियों से बचेंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये टर्मरिक और सिनेमन टी जो मैंने आपको बताई है ये आप डेली रूटीन में पियेंगे जब तक आपके पीसीओएस का मसला हल नहीं होता। ये आपको वैसे भी कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा लेनी चाहिए बॉडी में, जिन लोगों को नहीं भी है वो प्रिवेंशन के तौर पर ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और बीमारियों को खुदा हाफिज़ कहिए, क्योंकि जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो वैसे ही हेल्दी हो जाती है। और हम पिछली सीरीज़ में आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बता चुके हैं और ये अब डाइट के सारे आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप क्या खाएं और क्या ना खाएं ताकि आप बीमारियों को खुदा हाफिज़ कह सकें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर।